हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लिंडामाइसिन स्प्रे मिस्ट के बारे में, जो कि क्लिंडेक ए के नाम से आता है। और क्लिंडेक ए जेल भी आते हैं, फेस वॉशेज आते हैं, क्रीम्स फॉर्म में भी आते हैं, क्लिंडामाइसिन सोप में भी आते हैं, तो ये बहुत सारे फॉर्म में आते हैं। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ स्प्रे फॉर्म की, कि कैसे आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो आप अगर इस स्प्रे मिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, जो कि इन्फ्लामेटरी जो पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, उनको ट्रीट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और रेडनेस हुई, ईचिंग हुई, जो पिंपल हो जाते हैं उनमें रेडनेस है, ईचिंग है, इन सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है। माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को ट्रीट करने में ये हेल्प करता है। जो भी स्किन पर बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि पिंपल हो जाते हैं, उनको किल करता है और आगे भी ये बैक्टीरियाज को डेवलप नहीं होने देता स्किन पर, जैसे कि पिंपल होते हैं और एक्ने होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जब ये जेल यूज़ करते हैं तो उनके स्पॉट्स भी दूर हो जाते हैं। मेरे स्किन पे कभी इसने स्पॉट्स को ट्रीट नहीं किया, पर बहुत सारे लोगों की स्किन पे ये स्कार्स को भी दूर करता है। इसके साथ ही ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम को भी क्लिंडामाइसिन दूर करता है। तो ये जो क्लिंडेक ए मिस्ट स्प्रे है, ये 100 ml के पैक में आता है। 1% क्लिंडामाइसिन इसमें यूज़ किया गया है, बाकी इसमें बेस यूज़ किया गया है। प्लास्टिक का पैक आता है और स्प्रे बॉटल में आता है। और इसको इसका एप्लीकेशन, क्योंकि ये स्प्रे बॉटल में है, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 400 अराउंड में मिलेगा। ऑनलाइन आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी ये मिल जाता है ईजिली। आप किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप प्रैक्टो से ले सकते हैं, और बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ से आप मेडिसिन परचेस कर सकते हैं, वहाँ पर ये स्प्रे भी अवेलेबल रहता है। मुझे हमेशा बैक पे एक्ने रहते हैं और उनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ करती हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाती, जिससे कि बैक के एक्ने ठीक ही नहीं हो पाते हैं और दिखने में बड़े गंदे लगते हैं। तो स्प्रे फॉर्म में एक क्लिंडामाइसिन आप अपने बैक पे भी यूज़ कर सकते हो, और जितना इफेक्टिवली आपके फेस पे काम करता है, उतना ही इफेक्टिवली आपके बैक पे भी काम करेगा। आप कुछ लोगों के हैंड्स पे भी दाने होने लगते हैं, वहाँ पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। और स्प्रे फॉर्म में होने के कारण ईजिली एक दो पंप आप करो और ये अप्लाई हो जाएगा और काम करने लगेगा। तो आप इसको फेस पे, बैक पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत इफेक्टिवली ये काम करेगा। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप जहाँ भी इसको अप्लाई करते हैं अच्छे से वॉश कर लीजिए। बैक पे करते हैं तो बैक आपकी क्लीन होना चाहिए, फेस भी यूज़ कर रहे हैं तो फेस वॉश कर लीजिए, अपने फेस को ड्राई कर लीजिए। इसके बाद एक दो पंप आप इसके स्प्रे कर लीजिए। जब स्टार्टिंग में आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आपने कभी क्लिंडामाइसिन यूज़ नहीं किया है, तो आप सिर्फ पिंपल पे ही कीजिए, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं कीजिए। और कुछ दिन बाद धीरे धीरे आप अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इसको स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी आपको टिकलिंग होगी, थोड़ी सी इरिटेशन होगा, ईचिंग भी हो सकती है, जो कि नॉर्मल है, वो कुछ देर तक ही रहेगी, इसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। और इससे ही पता चलता है कि ये आपकी स्किन पे काम कर रहा है। तो ये ज़्यादातर लोगों की स्किन पे थोड़ा सा ईचिंग वगैरह होती है इसको अप्लाई करने के बाद, तो आप इसके एक दो पंप कर लीजिए और जब ये एब्जॉर्ब हो जाए, इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, सेटाफिल यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो आप इस स्प्रे को दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। दिन में यूज़ करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, सनस्क्रीन के बिना इसको नहीं लगाना है। और रात में आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर कोई भी आप मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं तो आईज़ क्लोज कर लीजिए, आईज़ क्लोज करके अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर ये आपके आई में गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर आई में थोड़े से चला जाता है तो तुरंत अपने आई को वॉश कर लीजिए। बात करते हैं इस स्प्रे को कौन कौन यूज़ नहीं कर सकता है। तो अगर आप बच्चे हैं, 12 साल के से
कम एज के हैं तो आप बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कीजिए, और मैं कहूँगी कि जब तक आप 18 प्लस नहीं हो जाते ऐसी चीज़ों को यूज़ मत ही करो, तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी आप इसको यूज़ ना करें तो बेहतर है। इसके साथ ही आपके स्किन पे कोई एलर्जी है, कट्स वगैरह हैं, वोंड्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तब आप इस स्प्रे को यूज़ ना करें। और सेंसिटिव स्किन है आपकी बहुत ज़्यादा, कोई भी नई चीज़ ट्राई करने पे आपको प्रॉब्लम होती है, तब भी आप बिना डॉक्टर के से पूछे आप इस स्प्रे को अप्लाई ना करें। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ कब तक करना है। तो मैं कहूँगी कि आप पूरा अपना पैक ख़त्म कर लो तब तक तो इसको यूज़ करो। इसके रिजल्ट्स दिखने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, तब आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। और कुछ लोगों की स्किन पे ऐसे ट्रीटमेंट यूज़ करने से पहले और ज़्यादा पिंपल्स आने लगते हैं, तो कुछ लोगों के साथ होता है, तो ऐसे केसेस में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा लंबे टाइम तक अप्लाई करो तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दो दिन में तो कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको सिर्फ ये स्प्रे यूज़ करने से कुछ नहीं होगा, इसके साथ ही आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको खूब सारा पानी पीना है, स्ट्रेस कम लेना है, और आपका स्किन केयर जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं वो आपके स्किन को सूट करने चाहिए। आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें यूज़ करोगे तो बिल्कुल इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फेस पे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो जेल्स यूज़ कर सकते हो, क्रीम्स यूज़ कर सकते हो, फेस वॉशेज यूज़ कर सकते हो क्लिंडामाइसिन के। पर अगर बैक पे एक्ने हैं तो बहुत कम ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो बैक के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि बैक पे कोई भी चीज़ अप्लाई करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है और रेगुलर रहना टफ़ हो जाता है। पर जब आप स्प्रे फॉर्म में करते हो तो आप इजीली रोज़ रोज़ अपने बैक पे ये स्प्रे कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो बिल्कुल बैक एक्ने के लिए आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखो और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।